me. Isn't it my birthday yet? Cause I gotta say, you're looking like a gift for me. Wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. Cause I got this list of my favorite things. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest of. आज फिर से अपने कुछ लाइफ एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जो लिखा रहता है उससे ज़्यादा मुझे उस चीज़ पर विश्वास है जो कि मैंने अनुभव किया है या अपने अनुभव से सीखा है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है खुश रहना। कैसे खुश रहा जा सकता है? आदतों से, मन से, दिमाग से, या फिर अपने काम से, एनर्जी से। जब कभी भी हम कोई भी काम करते हैं तो हमें उसे करने में अच्छा नहीं लगता, लगता है कि हमने ये लाइफ थोड़ी देर सोची थी, हमने तो कोई और लाइफ सपनों की सोची थी। लेकिन सपनों की कोई लाइफ होती ही नहीं है, वो तो मन से गढ़ी जाती है और मन से बनाई जाती है। और मन ही सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अगर आप दिमाग से सोचेंगे तो कभी खुश रह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि दिमाग ऑलरेडी हमारे मन के काबू में रहता है कम से कम 99%। यानी अगर हम अपने मन को बदल लें तो दिमाग को भी बदल सकते हैं, और अगर मन खुश रहेगा तो शरीर भी खुश रहेगा, हमारी बॉडी भी फिट रहेगी। घर के अंदर या घर के बाहर कोई बात हुई तो हम उसे बताते हैं, अपने दोस्त को, फ्रेंड को, या हस्बैंड को, बच्चों को, किसी को भी शेयर करते हैं। एक्चुअली जब हम ये कोई बात बता रहे होते हैं या शिकायत कर रहे होते हैं तो ये हमारा एक नज़रिया होता है जो उस इंसिडेंट या घटना पे हमारा होता है। और कई बार ये नज़रिया जायज होता है, लेकिन कई बार ये सिर्फ हमारी एक ओवर थिंकिंग होती है। किसी ने हमसे ये इसलिए कहा क्योंकि वो ऐसा है, उसने इसलिए कहा होगा। यानी बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना और ज़रूरत से ज़्यादा उस चीज़ को सोच लेना। और कई बार किसी भी बात पर ज़रूरत से ज़्यादा जो सोचना होता है वो हमारी जो ग्रोथ होती है, चाहे वो रिश्ते ख़राब हो, उन्हें अच्छा करने की ग्रोथ हो, या हमारे बाहर के करियर से रिलेटेड चीज़ों हो, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हम कोई दुनिया के पहले ऐसे इंसान तो नहीं है ना जो किसी कठिनाई से या परेशानी से जूझ रहे हैं, और ना ही आखिरी इंसान है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो भी स्ट्रगल हमारी लाइफ में, रिश्तों में चल रहा है, उसमें हम अकेले नहीं हैं। और अगर हम ये सोचेंगे कि इसे हम नहीं कर सकते तो कभी भी नहीं कर पाएंगे। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमारी डेली लाइफ में जो कुछ भी चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं, हम कैपेबल हैं कि हम उनसे पार पा सकें। हमें हमेशा अपने दिल में ये जो दुख हैं, चिंता हैं, टेंशन हैं, इनका बोझ जमा नहीं करना चाहिए। जैसे हुई कोई बात होती है उसे हमें एकदम से भूल कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। जैसे जैसे हम उन बातों को इकट्ठा करने लगते हैं ना, अपने वजन के साथ साथ हम उन सारी चीज़ों का वजन भी झेलने लगते हैं। ओवरथिंकिंग से बचना बहुत ज़रूरी है, और मैं आपसे कहूँगी खुश रहना है ना, तो ये ओवरथिंकिंग बिल्कुल छोड़ दीजिए। बारिश का मौसम तो अच्छा है, लेकिन ना सारे काम रुक जाते हैं बारिश में। देखो, मुझे जाना था मार्केट, काम करना था, आज बहुत ढेर सारा काम था और सारा काम रुक गया, बिल्कुल गीला गंदा सब हो गया। देखो, लगता तो अच्छा है, खूब ग्रीनरी हो जाती है, सब बढ़िया है, लेकिन अब काम रुक जाते हैं सारे। पति पत्नी के रिश्ते में दोनों एकदम परफेक्ट हो ये ज़रूरी नहीं होता, और ऐसे में ज़रूरी है आपस की जो अंडरस्टैंडिंग है उसका अच्छा बनना, एक दूसरे की बात को समझना, एक दूसरे की केयर करना, देखभाल करना और टाइम देना। ये किसी भी रिश्ते में अगर कोई भी गैप है तो उसे भरने में ब्रिज का काम करते हैं। तो अगर पति पत्नी में से कोई भी एक जिम्मेदार है और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझता है ना, और साथ ही वो अगर अपने साथी को इग्नोर नहीं करता, तो लड़ाई झगड़े होने की जो संभावना
है वो बहुत कम हो जाती है। और इन सारी चीज़ों को हम इंडियन फीमेल्स लेडीज़ बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं, इसलिए अपनी जिम्मेदारियों का ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल रखती हैं। लेकिन हाँ, मेरी तरह कभी कभी इन जिम्मेदारियों का बोझ उठा लेना समय से पहले और ज़रूरत से ज़्यादा थोड़ा सा खतरनाक भी होता है, क्योंकि मैंने क्या किया, शुरू से इन जिम्मेदारियों को अपना समझ के मैंने उठाया, लेकिन हाँ इससे क्या हो गया ना, मेरे हस्बैंड को भी इन सारी चीज़ों का बड़ा रिलैक्सेशन मिल गया और वो ये काम अब थोड़े से कम ही करते हैं। ये तो हम सब लोगों को पता है कि सावन का महीना चल रहा है और उसमें भी अधिक मास और पुरुषोत्तम मास चल रहा है, और ये भी संयोग जो बना है ये बहुत सालों बाद, तकरीबन 19 सालों बाद बना है। तो मैं अपने जो बड़े वाले कृष्णा जी हैं ना, उनके मैं कुछ पोशाक और वस्त्र लेकर आई हूँ। और आप लोग पूछते हो कि आप घर को मतलब मैनेज करते हो, बच्चों को, पूजा पाठ को कैसे कर लेते हो और किस तरह से इतने आप एक्टिव रहते हो। तो देखो, अगर अब हमें खुश रहना है, मन को खुश रखना है, तो हमें अपने आप को, अपनी बॉडी को एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, जो हमारा मन है और हमारी बॉडी है, ये दोनों ना आपस में जुड़े हुए हैं। मन की बहुत सारे इमोशंस होते हैं, भावनाएँ होती हैं, जिनसे हमारा शरीर सुस्त पड़ जाता है। आपने देखा होगा, जिस दिन आप खुश होते हैं उस दिन आप ज़्यादा काम कर लेते हैं, और जब ज़्यादा काम करते हैं तब खुश रहते हैं, यानी दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और एक मैंने रिसर्च पढ़ी थी, वो आपको बताती हूँ। जब हम एक्टिव रहते हैं ना, तो हमारी बॉडी से एक एंडोर्फिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जो हमें बहुत अच्छा महसूस कराता है। और हमेशा अपने शरीर को, अगर आपको एक्टिव रखना है, तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लोग तो इसे पसंद करते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तो थोड़ा सा कोई मूवमेंट करिए, जैसे योगा कर लीजिए, वॉक पे चले जाइए, अगर आपको डांस का शौक है तो डांस कर लीजिए। तो ऐसे अगर आप डेली करेंगे तो इससे आपके दिमाग पर एक बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। तो जो आपके दिमाग में ये अननेसेसरी बकबक चलती रहती है ना, इसको ये कम करेगा। और जैसे ही मुझे कोई परेशानी होती है या कोई टेंशन होती है या किसी ने कुछ कहा सुना, कुछ ऐसा महसूस होता है, तो मैं बस काम में लग जाती हूँ। और जैसे ही काम में लगती हूँ ना, अपने आप मेरा मन शांत हो जाता है और मैं चीज़ों को भूल जाती हूँ। और जब मैं काम में लगी रहती हूँ ना, तो थोड़ा सा ध्यान देती हूँ कि कुछ अच्छे वर्ड्स मैं अपने आप से बोलूँ। एक बार करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वर्ड्स में भी अपनी एक एनर्जी होती है। तो जब कभी भी स्थिति आपके फेवर में ना हो, तो हमेशा अपने आप से बात करिए, अपने आप को काउंसिल करिए, देखेगा इन चीजों का कितना असर पड़ता है। तो इस तरीके से अपनी प्रार्थना पर, अपने ऊपर, अपने अच्छे स्वभाव के ऊपर हमेशा कॉन्फिडेंस रखिए, और किसी को इतनी ताकत और परमिशन ना दीजिए कि वो आपको बदल सके। यानी कि हमेशा कहती हूं ना, अपना रिमोट अपने हाथ में। करण, ओ करण, ठाकुर जी के दर्शन कर लो बेटा। अब काला टीका लगा देंगे, ठाकुर जी को नजर न लग जाए, है ना? अभी भोग लगाएंगे, प्रसाद और भोग रहना बाकी, लगाना बाकी है, ठीक है? वो विराजमान है, लेकिन अब की बार मैंने उन्हें इस तरह से कर दिया है, उनका श्रृंगार जो है पूरा हुआ। काफी दिनों से मैं सोच रही थी, तो इस अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में, उनका मैंने श्रृंगार करके पूजा कर ली। तो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना।
हम क्या बनेंगे, हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, हमारी लाइफ के गोल्स क्या हैं ये, और क्या हम उन्हें अचीव कर पाएंगे, हमारे घर में परिवार में खुशियां रहेंगी ना रहेंगी, बाहर हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं, ये सारी चीज़ें केवल इस चीज़ पर डिपेंड करती हैं कि हम किस तरह के लोगों के साथ अपना टाइम बिताते हैं। खुद से आप खुद पूछिए कि आप जिनके साथ रहते हैं या जिनके साथ काम करते हैं, जिनके साथ आप अपना टाइम स्पेंड करते हैं, क्या उनका साथ आपको कुछ मोटिवेट कर रहा है, कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ उनसे आपको प्रेरणा मिल रही है। अगर ऐसा नहीं है तो थोड़ी सी सावधान हो जाइए और ऐसे लोगों के साथ बैठिए जो आपको आगे बढ़ाएं, ऐसे लोगों के साथ नहीं जो हमेशा कुछ इस तरीके की बातें करें कि आपको ऐसा लगने लगे कि जो आप सोच रहे हैं वही गलत है और आप ये सोच रहे हैं कि इनके साथ तो मेरा बढ़िया टाइम पास हो रहा है। किसी भी रिश्ते को मजबूत और जिंदा रखने के लिए ना इमोशनल सपोर्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपने रिश्ते में इस टिप का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए क्योंकि हर इंसान के जीवन में बहुत से पड़ाव पर इस इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, चाहे वो पति हो या पत्नी। और अगर आप एक दूसरे को इमोशनली रूप से सपोर्ट करते हैं तो रिश्ता जो है ना काफ़ी मजबूत हो सकता है और इसका एक पॉजिटिव असर हमारी जो मेंटल हेल्थ होती है उस पर भी होता है। और कोई भी रिश्ता ना तभी उलझता है जब वहाँ पे ना ईमानदारी ना हो। एक दूसरे के लिए जिम्मेदार बनना ये रिश्ते के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके साथ आप दोनों में से अगर किसी एक को भी अच्छा ना लिसनर भी बनना होता है, मतलब अगर एक कुछ कह रहा है तो दूसरा उसको ध्यान से सुने। अगर ऐसा किया जाता है तो ज़्यादातर दोनों के बीच में जो झगड़े होते हैं वो ख़त्म होने लगेंगे। और इसके साथ होता है विश्वास। जब कभी भी इस विश्वास की डोर टूटती है तब वो रिश्ता कभी भी लंबा नहीं चल पाता है। इमोशनल सपोर्ट और विश्वास और इसके साथ साथ एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, यही कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो किसी भी रिश्ते को लंबे टाइम तक चला के रखती हैं। और जब रिश्ते अच्छे होते हैं तो हमारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी बनी रहती है, मन खुश रहता है और हम भी खुश रहते हैं। तो कुछ इन छोटी छोटी टिप का हमें हमेशा ही ख्याल रखना चाहिए। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, यानी सब कुछ हमारे मन पर है, यानी हमारे हाथ में है। मन को काबू में रखेंगे ना तो सब कुछ संभव हो सकता है। फैमिली में किसी भी तरीके के डिस्टर्बेंसेस क्यों ना हो, आप अगर सबको खुश रखने की कोशिश करेंगे, खुद खुश रहेंगे, थोड़ा सा सहन और कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे ना तो सारी स्थितियाँ बदल जाती हैं, यानी कि जो सारी विपरीत स्थितियाँ या परिस्थितियाँ होती हैं ना वो सब आपके फेवर में आ जाती हैं। तो मैंने ये कुछ ऐसी ही चीज़ें अपने साथ करी हैं जिनसे कि आज मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहती हूँ, खुश भी रहती हूँ और अपने चारों तरफ के माहौल को भी खुश रखने की कोशिश करती हूँ। यानी सारे घर का जो एक सेंटर पॉइंट धुरी है वो मैं अपने आप को बना के रखती हूँ। बहुत मुश्किल काम नहीं है, अगर हम ये कर लेते हैं तो अपने अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आता है और हम किसी भी तरीके के चैलेंज को ना निपटा सकते हैं और एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताना और पसंद आए तो लाइक कॉमेंट शेयर ज़रूर करना और ये ना एक बहुत अच्छा गिफ्ट होगा मेरे लिए। तो फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।